टेक में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ मोटोला E3 पावर। वो दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा, E3 पावर इतना छोटा लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा। ओ चलिए E3 पावर दिखाई नहीं दे रहा है। XT1706 मोटो E3 पावर का कस्टमर स्क्रीन लॉक भूल गया है, तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। बैटरी निकाल लीजिए, फिल्टर से डालिए और वॉल्यूम अप और पावर को एक साथ दबा के रखिए। जैसे ही ये लोगो आए, पावर बटन से अपना हाथ हटाइए और फिर वॉल्यूम बटन से अपना हाथ हटाइए। अब इसको आपको इसमें तीन ऑप्शन आ रहे हैं, रिकवरी, फास्ट बूट, नॉर्मल। आपको रिकवरी पे सेलेक्ट करना है। अगर ये नीचे चला जाता है तो फिर से आप वॉल्यूम अप से ऊपर आ सकते हैं, ये देखिए। और फिर डाउन बटन से इसको सेलेक्ट करना है। चलिए डाउन बटन से जैसे सेलेक्ट करिएगा, एंड्रॉयड का लोगो आ जाएगा आपको, और लोगो आके रुक जाएगा। ये देखिए, ये उल्टा हुआ एंड्रॉयड का लोगो आ गया। अब आपको करना है पावर बटन को प्रेस करना है। पावर बटन को प्रेस करके वॉल्यूम को प्रेस करना है। ये देखिए, ये मेनू खुल गया है। अब आपको करना है नीचे डाउन बटन से नीचे आइए, वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट, उसके बाद वॉल्यूम से पावर बटन से आप सेलेक्ट करिए और फिर डाउन बटन से नीचे आइए और ये करिए डिलीट ऑल यूजर डाटा, फिर पावर बटन से यस करिए। और ये देखिए फॉर्मेटिंग हो रहा है, आपका जो भी स्क्रीन लॉक है वो इरेज हो जाएगा। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और इसके बाद आपको रिबूट का ऑप्शन आएगा, फिर रिबूट कर लेंगे। ये देखिए रिबूट, चलिए पावर बटन से फिर से सेलेक्ट करते हैं और ये रिबूट होने लगेगा। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, मैं वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। चलिए हमारा खुल गया है, इसको सेटअप कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करिए और अपना गूगल आईडी दीजिए और ये खुल जाएगा। अगर आपका गूगल आईडी नहीं मालूम है तो मेरा इस दूसरे वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो यूजफुल लगे तो शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि इससे आपको नए मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। धन्यवाद।